गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। सीएम ने एक एक करके सबकी फरियाद सुनी, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम। बीजेपी ने लाभार्थियों के साथ 1 करोड़ सेल्फी अभियान और महिला मोर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। यह अभियान देश भर में 27 फरवरी को आरंभ हुआ था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति को जागरूक करना। पहाड़ों में निचले इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लगातार हो रही बारिश से अमला नदी और रामगंगा नदी उफान पर आ गई है और अब नदी का पानी लोगों के घरों में भरने लगा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं तेज पानी के बहाव से पानी की मेन पुलिया बह जाने से कई गांव से संपर्क टूट गया है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपर्क कराने के लिए एसएसपी ने सड़कों पर निकलकर जायजा लिया और इस दौरान एसएसपी के साथ में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक और पुलिस बल मौजूद रहा। साथ ही कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने के लिए सतर्क रहने की अपील की। बिजनौर में पहाड़ों पर बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में हुआ दाखिल, गांव में बाढ़ का खतरा मंडराया। सड़क के तालाब में तब्दील, पानी के तेज बहाव में पुलिया बही और घरों का रास्ता बंद। थाना अफसलगढ़ के 3 गांव में बाढ़ का खतरा मंडराया। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र को खुद कांवड़ियों के लिए रोटी बनाते देखा गया। डीएम के साथ में एडीएम रजनीश कुमार मिश्र भी कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए। उपायुक्त फलुल हसीब ने मेरी सचिवालय शोपियां में मीडिया कर्मियों के साथ में बैठक की, जिसका आयोजन जिला सूचना केंद्र शोपियां द्वारा किया गया था। डीसी ने कहा कि लोगों को पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रदान करने में और प्रशासन की मदद करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। हरदोई में किशोरी की हत्या के मामले में मृतका के पिता को गिरफ्तार किया गया। बेटी और भाभी के प्रेम प्रसंगों से आहत अभियुक्त ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी। रोहतास में टॉप 10 सूची में शामिल अपराधी सिकंदर पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए रोहतास पुलिस छापेमारी कर रही है और जल्द ही उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शोपिया में एक और खूबसूरत पर्यटन स्थल, जहां सुंदर घने जंगल, झरने की ठंडी लहरें और स्वर्गीय दृश्य हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, वहीं बावजूद इसके कि शिकरू केलर में सभी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। टीकमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से रामनगर गांव में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मामला पलेरा थाना क्षेत्र का। बोकारो में ट्रेलर चालक के संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। ट्रेलर के खलासी और अन्य चालकों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक के बोकारो सदर अस्पताल बनाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधुबनी में मंडल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने दरभंगा जयनगर रेलखंड का औचक निरीक्षण किया। डीआरएम ने औचक निरीक्षण के क्रम में संबंधित विभागों के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। डीआरएम ने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई का विशेष जोर दिया। आरा में पुलिस को हेरोइन तस्करी और हत्याकांड मामले में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने छापेमारी करते हुए हेरोइन तस्करी के धंधे में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं विशुनपुर गांव में मजदूर की पीट पीट कर हत्या मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को धर दबोचा। बिजनौर में जंगल से भटककर आबादी में घुसा बारासिंगा, आवारा कुत्तों ने बारासिंगों पर हमला किया। लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मकान में घुसने पर लोगों में दहशत फैल गई। नूरपुर थाना क्षेत्र के लिंडपुर गांव का पूरा मामला। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। शिवालय में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अतिक्रमण हटवा रही पुलिस। मंदिरों और मार्गों पर सीसीटीवी की कराई जा रही व्यवस्था। डीएम एसएसपी समेत सीओ कर रहे कांवड़ मार्गों का निरीक्षण।
मोतिहारी पुलिस को मिली सफलता, 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। 21,000 के जाली नोट और करीब 5 किलो 182 ग्राम चरस बरामद। जालौन में भाई ने गोली मारकर भाई की हत्या कर दी। पुलिस की मुख्य आरोपी से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई। उसके कब्जे से एक अवैध असलाह और कारतूस बरामद किया। फरीदाबाद पुलिस ने कंपनी में हथियार के बल पर लूट करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश से एक बदमाश यूपी के डॉन विकास दुबे की तरह डॉन बनना चाहता था। आरोपियों ने डबुआ इलाके में वारदात को अंजाम दिया था। हमीरपुर में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। खेतों की झाड़ियों के पास मिला युवक का शव। शव देखते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर के पुराना शहर मोहल्ले में एक दुकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान में रखी 4 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चौकी प्रभारी वीरेंद्र शर्मा ने घटनास्थल का मौके का मुआयना किया। नोएडा में नाले में कूदा युवक। युवक के कूदने से मची सनसनी। सूचना पर फायर विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की तलाश में जुटी। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। नोएडा के थाना 49 क्षेत्र स्थित बरोला गांव नाले का मामला। कानपुर देहात में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत। युवक की हालत गंभीर। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस। घायल युवक को CHC में भर्ती कराया। अंबेडकर नगर में प्रेमिका का अधजला शव कमरे में मिला। उसके बाद प्रेमी का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस को मृतक प्रेमी के पास से एक सुसाइड नोट मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। एक ब्रेक ले, आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।